अपने मंच से लाल सांड जलता रहा, नाम दिए बिना, एक को गोरखपुर और एक को। किसानों के खेत में डांड पे चले जाइए, आज के तारीख में योगी जी और मोदी जी के जो ललका सांड पैदा किया है, इस सांड किसानों का अरकल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, भंटा ये चर जा रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। तो किसान परेशान है, सड़क पे आम आदमी परेशान है, योगी जी मोदी जी के ललका सांड से लड़ करके वो ट्रामा सेंटर जा रहा है, तो वो इसे निजात चाह रहा है। तो निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने मोर्चा बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर इनका सांड इनके घर हम पहुंचाने की तैयारी में। दो सांडों की आपने बात की है, तो कौन कौन से वो सांड? बड़का और छोटका नहीं दिखते हैं, कौन है? सड़किया पर नहीं घूमते हैं। एक छोटका जो सांड है वो गोरखपुर जाएगा, बड़का गुजरात। अध्यक्ष जी, अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आदि आबादी की बात कर रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है, 40% आरक्षण की बात कर रही है, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव पे उनका यह वादा? जिस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया हो और वो सरकार अगर कोई बात कहे तो वो हंसी का पात्र समझा जाता है। इसी प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, देश में कांग्रेस की सरकार रही, इन्हीं के नाकामी के वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो प्रियंका वाड्रा जी मेहनत कर रही हैं, कोई शक नहीं, लेकिन धरातल पर इनका संगठन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जनता इनको नोटिस में नहीं ले रही है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जनता निजात चाहती है। विकल्प में अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, ये कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, संजय चौहान, केशवदेव मौर्या जैसे हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, जयंत चौधरी जी, इस एक विकल्प जनता को दिखाई दे रहा है। जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना। अभी पीएम मोदी जी के नाथ जी का मंदिर बनवाया, महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनके विषय में चर्चा तो नहीं हो रही है? उनके परिवार के लोग आज इस कड़ाके की ठंड में भेड़ लेके घूम रहे हैं, उनको शिक्षा कैसे मिले? प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, इस पर तो चर्चा नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्यों जानते हैं आप? इसके बाद भी आप 2 महीने बाद वहाँ जाएंगे तो आपको भी टिकट लगेगा। गुजराती बिजनेस करने के लिए काम कर रहे हैं, जितनी भी सड़कें आपको चमचमाती मिल रही हैं, टोल प्लाजा बना दिया गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब गाड़ी का आप टैक्स देते हैं, फिटनेस देते हैं, तो फिर ये टोल टैक्स किस बात का लगता है? अच्छा राजभर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के करीबियों के ऊपर ही छापेमारी क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट एम्पायर ने इनको आउट कर दिया, प्रदेश की जनता ने इनको आउट कर दिया, ये थर्ड एम्पायर ईडी और सीबीआई थर्ड एम्पायर है इनके, वहाँ जाके उसका इस्तेमाल करके डरवा रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, हम लोगों ने एक फिल्म देखा है शोले, गब्बर सिंह ने कहा है जो डर गया वो मर गया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, अभी ईडी ले आए, सीबीआई ले आए, कुछ ले आए, 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनको सपने में श्री कृष्ण भगवान आते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो तो कम से सपने देखते ही रहते हैं। बीजेपी के नेता महंगाई पे बात नहीं करते। 16 बार पेपर कराए, 16 विभागों का लीक हो गया, वो लीकेज बंद करने की बात नहीं करते। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला योगी जी ने किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन पिछड़े दलित का हिस्सा देने की बात नहीं करेंगे। प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इसकी बात नहीं करेंगे, और ये बात करते हैं? असली इकाना हमारे योगी जी ने क्या कहा था, हनुमान जी दरिद्र हैं, कहे थे ना मध्य प्रदेश में, हनुमान जी दरिद्र हैं तो कृष्ण भगवान तो यादव हैं, है ना? राम छत्री थे, कृष्ण यादव थे, तो कृष्ण भगवान अखिलेश के संगे रही हैं कि उनकी यहाँ जई हैं? देखिए, नहीं नहीं, देखिए मैं था कल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुराफात, उनको जब चुनाव आता है तो वो चुनावी जब जंग शुरू होती है तो धर्म का चश्मा पहन लेते हैं और जनता को भी पहनाने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ने शुरुआत किया है, तो अखिलेश जी ने ये कहा कि हम उनके वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, वो हमको 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं, ये बात उन्होंने कहा है। 2011 बीएड के अभ्यर्थी यहाँ आए, 70,234 पद, कितने लोगों की उम्र? दिन राजभर जी पहुंच गए,
एक हेलीकॉप्टर में बैठा के लेके यही दक्षिणी में उतारेंगे और 8 सीट जीत करके उलाट देंगे यहीं योगी को। प्रकाश जी, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए, ऐसे में क्या रैलियां होना जरूरी है? ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग और देश की सरकार की है, प्रदेश की सरकार की है। इनको सर्वदलीय बैठक बुला करके डिसीजन लेना चाहिए कि चुनाव हो ना हो, ये तो उनका काम है। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे नहीं। यूपी में जब अभी तो 400 ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं ना, 400, जहां 4,00,000 लोग थे तब तो पंचायत चुनाव करा लिया गया। पीक पे था बंगाल का चुनाव हुआ, पीक पे था बिहार में कोरोना, बंगाल में पीक पे कोरोना था, चुनाव करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा हार मान चुकी है, इस नाते ओमिक्रॉन चिल्ला रही है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से पहल करनी चाहिए, आपको अपने सभाओं पे रोक लगानी चाहिए? जब राजा करेगा ना तो प्रजा भी करेगी। राजा तो चाँप रहा है, बस लगा के, ट्रक लगा के, टेम्पू लगा के, तो हम लोग सही किलिए से चाँप रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम भेज के नहीं, अब तो चूंकि लेट हो गए ना, नहीं आपके सामने हाथ उठवाते हैं कि मोदी और योगी की रैली में अमित शाह की पैसा दे के भीड़ बुलाई जा रही है, सरकारी गाड़ी दी जा रही है और उनको खाने के लिए पूरी तरकारी दी जा रही है। यहाँ लोग चले गए, देखिए कहीं एक ठोंगा मिला है आपको? एक को यहाँ ठोंगा मिला हो तो बता दीजिए हमको। उनका दावा सही, वो दावा कर रहे हैं कि पिछली बार 2017 में जनता को हमने विश्वास दिलाया कि तुम हमारे साथ आओ, महंगाई कम करेंगे। 60 रुपया से पेट्रोल ले गए 100 पार, डीजल ले गए 95 से 97, उसके बाद आपको ले गए जो है कड़ुआ तेल 50 से ले गए जो है 200 पार। अब जानते हैं क्या करेंगे? ये चिल्ला रहे हैं जन विश्वास यात्रा, आए जनता हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, जो 17 में किया हूँ वही करूँगा, 3,000 में गैस सिलेंडर दूंगा, 300 में हम आपको पेट्रोल दूंगा, 300 में सरसों का तेल, 300 में हम आपको जो है डीजल देंगे। हमको विश्वास के साथ कराऊँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 300 रुपया में डीजल पाओ।